welcome to TV Ka Pataka, your one-stop destination for all entertainment news. Well, dosto, Big Boss Season 16 के घर के अंदर Family Week में आपको बता दें, आई है शिव ठाकरे की माँ और nomination में सबसे पहला मौका मिला शिव ठाकरे की माँ को। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने जो तीन बोर्ड है उसमें आपको बता दें कि एक जगह लिखा हुआ है लॉस्ट कॉन्टेस्टेंट्स, दूसरी जगह हाइपर एक्टिव कॉन्टेस्टेंट्स और तीसरी जगह एक्टिव कॉन्टेस्टेंट्स, और उन सब में घर के जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं उन सब के नामों को डिवाइड कर दिया है। ये वो लोग हैं जो शो में किस तरह से अपनी प्रेजेंस को देते हैं वो लिखा हुआ है, और ऐसे में घर वालों को मिला है मौका कि इनमें से वो जिस भी कैटेगरी के लोगों को नॉमिनेट करेंगे उतने पैसे प्राइज मनी में वापस आ जाएंगे। वेल, सबसे पहले शिव ठाकरे की आई कन्फेशन रूम में आई और उन्होंने आकर बढ़िया गेम खेला। उन्होंने जब प्राइज मनी देखा कि मेरे बच्चे को सबसे ज्यादा प्राइज मनी किस चीज में मिल सकता है, उसमें लिखा हुआ था 20 लाख रुपए लॉस्ट कॉन्टेस्टेंट्स, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ उसमें एमसी स्टैन और निमृत कौल आलूवालिया का नाम भी था जो सबसे करीब हैं शिव ठाकरे के। ऐसे में यहाँ पर आई खेल गई अपनी प्यारे से बेटे के लिए, जी हाँ, और उन्होंने लॉस्ट कॉन्टेस्टेंट वाले बोर्ड को चुनकर 20 लाख रुपए वापस मंगवा लिए और अपने ही चहीते बेटे के मंडली के दोस्तों को कर दिया नॉमिनेट। वहीं दूसरी तरफ फराह खान ने भी लॉस्ट कॉन्टेस्टेंट्स के कैटेगरी को ही चुना क्योंकि उन्हें किसी से मतलब नहीं है सिवाय अपने भाई के पैसों से। जी हाँ, हर किसी ने यही सोचा है कि जहाँ से पैसे ज्यादा आएंगे वही हम चूज करेंगे। दोस्तों क्या कहेंगे आप, हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।